मैं आप लोगों को इस मकसद के लिए लेकर आई। आप लोग तो मेरे मोहसिन हैं। जब आप हमें घर लेकर आई थी तो क्या कहा था आपने कि अपना घर समझ के रहना है ना? तो बस जो भी कर रहे हैं बस ये समझें अपना घर समझ के रहना है। आप रात में नींद में पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैं इसलिए रुक गई कि शायद आपको कोई हेल्प चाहिए, यहीं इसीलिए बैठ गई थी। और मैंने तीन लफ्ज बोल दिए तो तेरा क्या होगा? ऐसी क्या बात है जिसके ना मानने की सूरत में तलाक की धमकी? जी वो नाश्ता तैयार है, मैं बुलाने के लिए आई थी। जाओ मारे। इसने कहीं सुन तो नहीं लिया? मुझे डराने के बजाय तू ये सोच कर डर कि अगर तू मेरे खिलाफ गई और मैंने तीन लफ्ज बोल दिए तो तेरा क्या होगा? ये किसका नंबर है? हेलो जी, किससे बात करनी है आपको? फोन आपने किया तो यकीनन बात भी आपको ही करनी होगी। बताइए क्या बात करनी है? अरे बाजी, फोन तो फोन होता है, अब आप कर ले मैं कर लूँ एक ही बात है। देखें, या तो आपके पास बहुत फालतू टाइम है या फिर आपका ताल्लुक किसी पागल खाने से है। जी बिल्कुल सही पहचाना, मेरा ताल्लुक उसी पागल खाने से जहां तुम भी पैदा हुई हो। मुस्कान, ये तुम हो ना? हाथों के ये माजुबीन, इतनी देर से बात कर रही हूँ मैं तुमसे और तुम मेरी आवाज नहीं पहचान पा रही, मतलब ये बहन है। देखो ऐसी बात नहीं है, एक तो तुम आवाज बदल के मुझसे बात कर रही हो और दूसरा मैं अपनी परेशानियों में थी इसलिए ध्यान ही नहीं गया। किस चीज की टेंशन है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मिलोगी तो बताऊंगी। तुम लोग कहाँ हो? अम्मी कहाँ है? मेरी अम्मी से बात करवाओ, इतने दिनों से मैंने उनकी आवाज तक नहीं सुनी। अच्छा मैं बात कर आ रही हूँ। अम्मी हेलो। माजबीन कैसी हो बेटा? अम्मी अम्मी आपने अपनी बेटी को माफ कर दिया ना? बेटा माँ के पास अपनी औलाद के लिए मोहब्बत और माफी के सिवा होता ही क्या है?
हेलो साथ साथ कहाँ हो तुम, कैसे हो तुम? तुमने जवाब नहीं दिया बेटे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, बिल्कुल ठीक। यहाँ के इतना एंजॉय कर रहा हूँ, इतना खुश हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे भी कितने मासूम होते हैं ना। अगर माँ बाप उनकी मोहब्बत में आकर उनके झूठ को सच मान ले तो वो ये समझते हैं कि वो बासानी माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हैं। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा माम कि मैं खुश हूँ? इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा वापस आ जाओ, जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली है। अरे तुम्हें भी किताबें पढ़ने का शौक है? जी वो बस मैं ऐसे ही। नहीं नहीं परेशान होने की बात नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आजकल के दौर में भी बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक है। जब से ये मोबाइल आम हुआ है किताबें पढ़ने तो दूर की बात, अपनों के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये लाइब्रेरी शरान के पापा ने बहुत शौक से बनाई थी। इस घर में बहुत कुछ बदला लेकिन उसने इस हिस्से को बदलने नहीं दिया। उन्हें भी शौक है। पहले था बेटा लेकिन उसके पापा की डेथ के बाद उसने जिंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कि उसको किताबों में लिखे इन खूबसूरत लफ्जों पर अब कोई एतबार नहीं रहा। और जब से अफशीन का रिश्ता खत्म हुआ है तब से तो बेयकीनी में और इजाफा हो गया। खैर छोड़ो, मैं तुमसे ये कहने आई थी बेटा, एक रिक्वेस्ट थी। जी जी। कि शहरान का कमरा बिखरा पड़ा है, जरा उसे समेट दो और उसके मैले कपड़े बाहर निकाल दो। है आंटी? तुम्हें कोई एतराज है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है, मैं भी जाके कर देती हूँ इनफैक्ट। ठीक है, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मैं एक्चुअली
अच्छा माँ, ये पी लो, दिल अच्छा हो जाएगा और तबीयत भी बेहतर लगेगी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप बिला वजह फिक्र नहीं करें। अब इस हाल में तुम्हारी हम फिक्र नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है, माँ बनने वाली औरत का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी होता है ना। क्या कह रही हो माजबीन? शमा, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, जो कुछ कह रही है तुम्हारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। कौन सी रिपोर्ट्स? इसमें लिखा है तुम माँ बनने वाली हो। ये तो तय हो गया, डिग्री लेने से अकल नहीं आ जाती। अगर आती होती तो तुम इतना जरूर सोचती कि कौन पागल होगा जो खुद को फंसाने के लिए फाइल वहीं छोड़ देगा। कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए, अपनी मर्जी से सेट करने की कोशिश करे, मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत मेरे कमरे में कदम भी रखने की? वो तो मुझे आंटी ने कहा था। खबरदार, मेरी माँ का नाम मत लेना। मैंने नाम कब लिया है? मैंने तो आंटी का है। हाँ तो एक ही बात है ना, तुम्हें क्या फजूल बातें कर रही हो? कहाँ एक बात है, मैं वाकई सब। क्या हो गया बेटा, खैरियत? इस मोहतरमा से पूछें जो बगैर इजाजत मेरे कमरे में आ गई है और मेरी चीजों को छेड़ रही है। लेकिन मैंने तो अच्छा किया है। अच्छा किया हो या बुरा किया हो, इम्पोर्टेंट यह है कि मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ कि नहीं। बेटा, मैंने ही इसको तुम्हारे कमरे में भेजा था, ये तो आ भी नहीं रही थी। रिलैक्स करो, कोई बात नहीं। मुस्कान, अब हम चलते हैं बेटा। जी। तुम रिलैक्स करो। ये मेजर भी क्या बोल रही है? हैं? ये मेजर भी जो बोल रही है ये सच है? बोल बोल, क्या तू वाकई माँ बनने वाली है? अगर ये बात सही है तो तूने हमसे काय को छुपाई भाई? अरे बोल ना, काय को पत्थर की बन गई, बोल। अम्मा, भाभी झूठ बोल रही हैं। देख लो भाई, तुम्हारी बीवी कैसा तमाशा लगा रही है, हालांकि ये अच्छी तरह से जानती है शादी से लेके अब तक मैं इस खुशी के लिए तरसती आई हूँ, फिर भी। भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे जख्मों पर क्यों नमक छिड़क रहे हैं? शमा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अबे तू बता, तू ऐसा क्यों कर रही है? यासिर, अबे तेरे को अंदाजा भी है समा ने इस औलाद के लिए क्या क्या नहीं किया? अबे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जहां से इलाज नहीं कराया हो, ऐसा कोई मस्जिद दरगाह जहां से दुआ ना कराई हो हमने, हैं? और ऐसी औरत के लिए तेरे को लगता है कि उसकी मन की मुराद पूरी हो रही है, वो छुपाई क्यों उसे, हैं? मुझे यही तो समझ नहीं आ रही, जब उसे अपनी मुराद मिल रही है तो इतनी खुशी की बात है, छुपाने की क्या जरूरत है? ए, तेरा बहुत हो रहा है, अगर समन ऐसा कह दिया ना तो बात दी एंड हो गई है। नहीं, बात अभी खत्म नहीं हुई।
बात खत्म तब होगी जब मैं आप लोगों को शमा की रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, जिसमें लिखा है कि शमा मां बनने वाली है। हैं? अभी आती हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तुम शहरान के एटीट्यूड से बहुत हर्ट हुई होगी और तुम्हें शहरान एक बेहिस इंसान लगा होगा। वो हमेशा से ऐसा नहीं था, उसके हालात ने उसको ऐसा बना दिया कि अब उसको हर इंसान और हर रिश्ते में खोट नजर आता है। सब क्या हो गया है आंटी? क्या हो गया है ऐसा कि हर इंसान हर रिश्ते में आपको बेएतबारी नजर आ रही है? उसकी वजह उसकी तलाक है। माँ कामर गई वो? अरे मेरी मानो ना, उसके पास कोई सबूत वबूत नहीं है, झूठी है एक नंबर की, इसीलिए बैठ गई होगी कोने में मुंह छुपा के। तू माँ जबीन के खिलाफ कोई जहर उगलने का मौका तो छोड़ दिया कर, छोटे खानदान की बोलती जाइयो। जिसने तुम्हारी बेटी के ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें अभी भी उसी के लिए बुरा लग रहा है? वाह भाई वाह। अबे अभी साबित नहीं हुआ कि माँ जबीन झूठ बोल रही है चोटी? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाभी जी कोई भी झूठा सबूत लेकर आ जाएंगी तो आप लोग यकीन कर लेंगे। इसका तो मतलब है अब्बा, आपको बेटी से ज्यादा बहू पर भरोसा है। ले आ गई। अबे कहां लुढ़क गई थी तू? सब यहां तेरा इंतजार कर रहे थे। कहां है वो कागज जो तू दिखाने वाली थी? वे बोल ना, मुंह लटका के खड़ी है, बोल। यासिर वो शमा की रिपोर्ट्स गायब हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये झूठ बोल रही है, मगर मेरी बात तो किसी ने मानी नहीं। अब आ गया ना यकीन सबको। मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। अब्बा आपको भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बेटा मैं जानता हूँ कि तू कभी झूठ नहीं बोल सकती, मगर मगर क्या? मुझे माफ करियो बेटी, मैं बगैर सबूत के तेरी बात पर यकीन नहीं कर सकता। चला
तेरे को तो मैं बाद में देखता। भाभी जी, ये तो तय हो गया, डिग्री लेने से अकल नहीं आ जाती। अगर आती होती तो तुम इतना जरूर सोचती कि कौन पागल होगा जो खुद को फंसाने के लिए फाइल वहीं छोड़ देगा। तो इसका मतलब है वो फाइल आपने? मजबूरी थी भाभी जी, तुम जान जो नहीं छोड़ रही थी। और सच सबके सामने आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरे अपनों को कोई धोखा दे और उन्हें बेवकूफ बनाए। बुरा तो मेरे को भी लग रहा है भाभी जी, लेकिन जब इस घर के लोगों को बेवकूफ बनने में कोई इतराज नहीं तो फिर मेरे को क्या। अरे वाह, केक बन रहा है। लेकिन किस खुशी में ये केक बन रहा है? एंटी का खड़ूस बेटा है ना, उसकी सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रहे हैं, उसके लिए केक बना रहे हैं। भाई सरप्राइज आंटी ने देना है तो केक भी वही बना लेना, आप क्यों हलकान हो रही हैं? और ये आपने कैसा नाम रखा है, खड़ूस? बाकी लोग ये थोड़ा आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। मैंने ही बोला था आंटी को कि मैं केक बना लूंगी, इसमें क्या हुआ? किस खुशी में? भाई अच्छा नहीं लगता अगर आंटी बनाते, तो इसलिए मैंने कह दिया कि मैं बनाऊंगी, अच्छा लगेगा हमारे होते वो काम करें। हैरत की बात है, इतने पैसे वाले लोग हैं, एक केक नहीं मंगवा सकते वो अपने बेटे के लिए? रीबा मैंने उनसे कहा था कि अगर घर में खुद बनाएंगे अपने हाथों से तो अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं चीजों से एहसास होता है कि कोई अपनाइयत है, कोई अपना आपके लिए कुछ करना चाहता है, कोई खास है आपके लिए। कुछ तो गड़बड़ है, मतलब केक आप बना रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो आपके लिए कितने खास हैं? पागल हो गई, कुछ भी बोल रही हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो अच्छा है ना, आप ही देखें, आप ऊंचे घराने की बहू बन जाएंगी और अम्मी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि अपनी बेटी को बड़े घराने में दे दिया। वैसे आप ही अगर सच में ऐसा हो गया तो कितना मजा आएगा ना, और आंटी का बेटा है भी कितना हैंडसम है ना। वाह बस करो, क्या हो गया तुम्हें, बजाय इसके कि मेरी मदद करो बातें कर रही हो, बस जाओ यहाँ से, तंग मत करो। तंग करती रहती, मतलब कि मैं और खड़ूस कुछ भी बोलती रहती है। अल्लाह ताला इसकी बातों को ना आप सीरियस मत लीजिएगा, तो दिमाग खराब है, जो मुंह में आता है बोलती रहती। अच्छा जी, चीनी का है? दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, जाओ।
यासिर आप अचानक से कहाँ चले गए थे? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मेरी बात का यकीन करें, मैं जो कुछ भी कह रही थी बिल्कुल सच कह रही थी। तू एक ही दफा बता दे, तू चाहती क्या है? सबके सामने जलील कराने के बाद भी तेरा दिल नहीं भरा? यासिर मैं तो देख, एक बात अपने भेजे में डाल दे, अब अगर तूने मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बीवी है और मैं तेरे से प्यार करता हूं, समझी तू? बेगम साहिबा, खाना लगा दूं? साहब आ गए हैं क्या? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। अच्छा तुम जाओ आराम करो, जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ खाना खा लूंगी। आप रोज यही कहती हैं, और साहब बाहर से खाकर आ जाते हैं और आप भूखी सो जाती हैं। आपसे भूखी नहीं सोएंगे। साहब मेरा बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम एक ही दिन में कैसे यहाँ आ गए लंदन से? पापा एक दिन में लंदन से नहीं आया, जब आपको कॉल की थी मैं दुबई में था। तो मेरी वजह से कोई हर्ष तो नहीं हुआ ना तुम्हारे काम का? That's okay. और वैसे भी इस दुनिया में आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कौन? खुश रहो, जीते रहो। आप खाना लगाइए। आओ मेरे साथ बैठो थोड़ी देर। तुझे अंदाजा भी है आज तेरी बेवकूफी की वजह से हम कितना बुरा फंस सकते थे? मैंने क्या किया है? ना तू फाइल सामने रखती, ना वो फाइल तेरी भाभी के हाथ लगती, और ना यूं आज उसे तमाशा लगाने का मौका मिलता। हाँ मैं गलती हो गई थी मुझसे। तूने आज तक गलतियों के सिवा किया ही क्या? गलती हो गई, बात सुन जी। अब ये पांव तेरा बाप दबाएगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sharon. Happy birthday to you. मेरी सारी खुशियां छीन कर मेरा अकेले बंद मुस्कुरा रही हो? दफा हो जाओ यहां से। ले जाओ इसको, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाओ। शेरान, मैंने तुम्हारी यही तरबियत की है कि तुम लोगों के खलूस का इस तरह से जवाब दो। मुझे ना ही किसी के खलूस की जरूरत है,
और ना ही मुझे आप लोगों की झूठी और खोखली खुशियों में कोई इंटरेस्ट है। अगर तुम अफशीन के बगैर नहीं रह सकते थे तो उससे रिश्ता तोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर अपने पूरे होशोहवास में होता ना तो कभी ना तोड़ता। बेटा तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन हम सब में से कोई भी इंसान इसका जिम्मेदार नहीं है। क्या आप भी नहीं? शरान जरा होश में रह के बात करो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? सच बताएं मामा। शरान, आप यही चाहती थी ना कि अफशीन मेरी जिंदगी और इस घर से चली जाए? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे बात कभी समझ में नहीं आई कि अफशीन को हमारा रिश्ता टूटने का इतना डर क्यों था। शायद उसकी वजह भी आप थे, लेकिन अब सोच रहा हूं तो सब कुछ समझ में आ रहा है। हमारा रिश्ता आपकी उस नफरत के भेंट चढ़ गया जो आपको पप्पो से थी। सिर्फ और सिर्फ अपनी ममता की तस्कीन की फिक्र है, चाहे भले उसकी वजह से तुम्हारे बेटे का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो आप इस तरह से कह रहे हैं? क्या कर दिया? ये तो मुझसे पूछ रही हो? हर वक्त अपने बेटे के आगे अपने अकेलेपन का रोना रोती रहती हो तुम, जिसकी वजह से आज वो इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग छोड़ के आया है। और उस इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग छोड़ने की वजह से मुझे कितना लॉस हुआ है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तो आप पार्टनर्स के सामने जो मेरी बेइज्जती हुई, मेरी इंसल्ट हुई है वो अलग से। अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कैसी मां हूं। मैं तो इस उलझन में हूं कि आप कैसे बाप हैं। आपको नजर नहीं आ रहा कि साथ घर लौट कर कितना पुरसुकून है? अपनों के बीच में रहकर उसका दुख कम होने के कितने चांसेस हैं और आपको अपने नफा नुकसान की फिक्र है। अगर मैंने नफे नुकसान का नहीं सोचा होता ना तो आज तुम लोग ये ऐश ऐश की जिंदगी ना गुजार रहे होते। आपको वाकई अपने नफा नुकसान की फिक्र है, या फिर इस बात का डर कि कहीं वो सच सामने ना आ जाए जो अब तक साद की नजरों से पोशीदा है? कौन सा सच? आपका और मुस्कान का सच। जस्ट शट योर माउथ। मैं तो खामोश हो जाऊंगी हाशिम साहब, सब क्या करेंगे आप जब ये सारी हकीकत साद के सामने आएगी? कौन बताएगा उसे ये हकीकत? और दूसरी बात, साद मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करेगा। और कुछ सुनना चाहती है? काफी अभी के लिए ना। Just get out of here. कुछ और सुनना चाहती हो? ये इतना काफी है अभी तुम्हारे लिए। Just get out of here. हद हो गई है। मतलब एक शादी टूटने की वजह से अपनी माँ की सारी कुर्बानियां भूल जाएं, ये कोई तरीका है?
आप या बेवजह गुस्सा कर रही हैं। ये भी तो हो सकता है कि हादी आंटी ने सच में ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से उनके बेटे का घर टूटा। अरे भाई मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि वाकई कुछ किया है आंटी ने, लेकिन तब भी ये जस्टिफाई नहीं होता कि आप अपने पेरेंट्स से, अपनी वालदा से इस लहजे में बात करें। अभी मैं ठीक बोल रही हूँ ना? तुम सही कह रही हो। अब मुझे ही देख लो, मेरे गलत फैसले की भेंट मैं जमीन चढ़ गई। उस बेचारी ने उफ तक नहीं की। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के के लहजे में सच्चाई साफ नजर आ रही थी। वो जो कह रहा था सच कह रहा था, झूठ नहीं था। क्या हो गया अम्मी, कहाँ की बात अब कहाँ ले गई हैं? ठीक कह रही हूँ, कभी कभी माँ बाप भी गलत फैसले कर देते हैं। खैर अब तुम कहाँ चली? आंटी की तबीयत देखने जा रही हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत किसी भी सच या झूठ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अम्मी ये आप ही को कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं हो रही आंटी से? क्या बात है, इतना तैयार हुआ जा रहा है, कहीं डेट पर जा रहे हैं क्या? अरे वाह, मेरी बीवी को तो मेरे बताने से पहले सब कुछ पता चल जाता है। बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। ऐसे कैसी है वो? क्या पूछ लिया तुमने, क्या बताऊं? उसकी आंखें तुम्हारे नहीं तुमसे ज्यादा खुश हुआ था, उसके बाल तुम्हारे जैसे, वो भी उसके ज्यादा अच्छे हैं। अगर इतनी अच्छी है तो घर ले आए ना उसे। अरे वही तो लाना चाहता हूँ, लेकिन आ नहीं रही ना वो। कौन है कोई जिसके सिवा मेरा दिल किसी और के लिए धड़कना नहीं चाहता? और वो तुम हो, क्योंकि इस दिल को सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कने की आदत है। छुप के यही आरज़ू है, यही है तमन्ना के ना दूर जाऊं कहीं।